ओके, फिफ्थ क्वेश्चन वॉज गोइंग ऑन ऑफ एक्सरसाइज 12.2. सो वट इज गिवन इन द फिफ्थ क्वेश्चन? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. चलो, कौन बताएगा मुझे लेंथ ऑफ द आर्क? फिफ्थ वन वॉज होमवर्क. ओके, डोंट वरी, आई विल टेक इट इफ इट वॉज होमवर्क ऑल्सो. हु विल टेल मी द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क? What is the formula for length of arc? What is the formula for length of arc? Theta upon 360 degree into 2 pi r. Correct. Here we are given with the radius, so we will write it first. Radius of circle is equal to 21 centimeters. Central angle theta is equal to 60 degree. तो हमको find करना है सबसे पहले length of arc. So length of arc, it is denoted by small l. Its formula is theta upon 360 multiplied by 2 pi r. तो बोलो थीटा कितना है? 60 है. ओके, अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, वी हैव टू टेक हाउ मच? 22 बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज व्हाट? इट इज 21. सो 7 वन जा 7, 3 जा दिस इज 60, 1 जा 66 जा 3, 1 जा 3, 2 जा दिस 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसिल. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क? 22 centimeters is the length of arc. As it is a length, so its unit will be centimeters only. Okay, is it clear to you the length of arc? First one we got it now. अभी हमको क्या find करना है? Area of the sector formed by the arc. Okay, तो कैसे find करेंगे हम लोग area of sector? What is the formula? Yes. What is the formula? Half into L into R. Correct. Half into L into R use कर लेंगे ना हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास length of arc already है. So 1 by 2 multiplied by L is 22. R is how much? It is 21. So ये 2 ones are 2 elevens are. 11 into 21 करो, tell me the answer. What is the answer? Tell me. (231) unit will be centimeter square because this is an area. अब मुझे थर्ड केस में क्या फाइंड करना है? सेकेंड हमारा हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, हमने फाइंड कर लिया. अभी थर्ड केस में मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. Okay, tell me from the figure which is the chord here first. Which is the chord here? AB is the chord, correct. तो हमको segment का area निकालना है, यानी ये chord और ये arc के बीच वाला portion, ये होगा segment. We have to find the area of this segment. चलो बोलो कैसे मिलेगा मुझे ये area of segment? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, देखो हमको बस किसकी जरूरत है? एरिया ऑफ ट्रायंगल की जरूरत है. तो हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं यहाँ पे. ओके, सो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल? एओबी. व्हाट इज द फॉर्मूला? Half into r square into sine theta. Okay, when we are given with the value of r and theta, we will use the formula, this formula for finding the area of the triangle. So 1 half into r is what? 21 multiplied by 21 multiplied by sine 60. Bolo sine 60 ka value kitna hai? Trigonometry ho gaya hamara already.
What is the value of sine 60? √3/2. √3/2. तो ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज नथिंग बट 441. ओके, और मल्टीप्लाइड बाय √3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा. ओके, बिकॉज ये वाला 2 और ये साइन 60 में √3/2 का एक 2 आएगा, इट्स प्रोडक्ट विल कम 4. सो 441 √3 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट विल बी द यूनिट? इट्स यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज दिस इज एन एरिया. ओके, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी था हमारे पास, तो इसको चलो इसको भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. 441 √3 डिवाइडेड बाय 4. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3. यू शुड नो द वैल्यू ऑफ √3. रियल नंबर्स हमारा बाकी है, उसमें आपको रहेगा √3, √2, √5. तो ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, √2, √3 और √5 एटलीस्ट. इट इज 1.73 करेक्ट. So 441 multiplied by 1.73 divided by 4. Do this calculation and tell me the answer. बोलो क्या आएगा आंसर. श्रावणी शिंदे गॉट द आंसर, आई थिंक सो. व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, श्रावणी अर्गडे 190.73. गौरी ऑल्सो गॉट द आंसर 190.73 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लो, आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. सो 231 माइनस 190.73 करना है आपको टू गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट. टेल मी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेगमेंट. Area of segment will be equal to 231 minus 190.73. बोलो कितना आता है कैलकुलेट करके. वन थर्टी नाइन पॉइंट टू सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी द एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? गौरी इज इट करेक्ट? व्हाट वैल्यू यू सेड 231 माइनस 190? इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए. 40.27. ओके गौरी, प्लीज करेक्ट योर आंसर. 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल कम. ओके, सो ये हमारा जो ट्राइंगल है यहाँ पे ए ओ बी, इज देर एनी अदर वे टू गेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? एंड इफ इट इज देर, हु विल टेल मी? सपोज ओके, हाँ, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्मूला. How you are sure that, pretty sure that it is an equilateral triangle only?
Sir, because radius are equal, so OA equals to OB, and after we use Pythagoras theorem, we will get AB also 21 centimeter, and central angle is 60 degree. So by angle sum property, we know that angle A and angle B also will be 60 degree. So it's an equilateral triangle. Correct, because here one angle is 60 degree. Okay, now this side and this side are equal, तो इसके सामने वाला एंगल, तो ये साइड सपोज आपका कौन सा है, दिस इज योर एओ साइड, एओ साइड के सामने वाला एंगल ये है, बी वाला एंगल है, और ओबी साइड के सामने वाला एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. ओके, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज, इट इज 180 डिग्री. ओके, सो 60 प्लस एक्स प्लस एक्स, हम लोग इसको एक्स एक्स पकड़ लेंगे थोड़ी देर के लिए, विल बी इक्वल टू 180. तो 2x विल बी इक्वल टू 120, सो x विल बी इक्वल टू 60. दैट मीन्स इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बिकॉज ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. ओके, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल? √3/4 into साइड स्क्वायर. √3/4 इनटू साइड स्क्वायर. ओके, ऐसे भी आप एरिया निकाल सकते हो. इसके अलावा कोई दूसरा मेथड? दिस इज ऑल्सो करेक्ट, विल गेट द सेम आंसर. ओके, ये देखो √3/4 यहाँ पे भी आ रहा है. ओके, एंड 21 × 21 इट इज 441, सेम आंसर यू विल गेट. इसके अलावा कोई और मेथड या फिर कोई और अप्रोच? कैन वी यूज ट्रिग्नोमेट्री हियर? कैन वी यूज ट्रिग्नोमेट्री हियर? बोलो, क्या हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं? लुक एट द फिगर, कैन वी यूज ट्रिग्नोमेट्री हियर? मुझे बोलो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? थर्टी डिग्री, करेक्ट. ओके, तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, इट इज 1/2 × बेस × हाइट. उसके लिए मुझे बेस निकालना पड़ेगा ट्राइंगल का, बेस है मेरा ए बी. तो बेस ए बी कब निकलेगा, जब मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूंगा. ओके, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं लेता हूँ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं अप्लाई करता हूँ, साइन थीटा. ओके, साइन थर्टी, साइन थर्टी, व्हाट इज साइन थीटा, फॉर्मूला फॉर साइन थीटा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट. अपोजिट है यहाँ पे डी बी और हाइपोटेनियस है यहाँ पे ओ बी. ओके, और साइन थीटा यानी साइन 30 इज 1/2 फ्रॉम टेबल. ओके, यर ओनली वन अननोन इज देयर नाउ, डी बी, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ ओ बी, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डी बी फ्रॉम यर. और डीबी का डबल कर दो तो ए बी मिल जाएगा, यानी बेस मिल जाएगा. बेस मिलने के बाद 1/2 × बेस × हाइट, हाइट भी निकालना पड़ेगा शायद से आपको. तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट भी निकाल सकते हो. ओके, सो दीज आर एन नंबर ऑफ वेज. कई बार होता है कि हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं एग्जाम में, सो यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया बाय डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट वेज. ओके, नाउ सी सम कंसेप्ट इज देयर, फर्स्ट वी विल गो थ्रू इट. मेजर आर्क, सी दिस इज माइनर आर्क. ओके, सपोज अगर मैं ये वाले पोर्शन को सेंटर के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय माइनर सेक्टर. ओके, दिस इज माय माइनर सेक्टर, और ये माइनर सेक्टर को जो आर्क कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क. ओके, सो हियर सम डेफिनेशन इज देयर. एनी पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज आर्क. तो आर्क किसको बोलते हैं हम लोग? एनी पॉइंट, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन द टू पॉइंट्स. जैसे कि यहाँ पे ये दो पॉइंट्स देखो, ए और बी, ये हमारे दो पॉइंट्स है.
ओके इसके बीच में जो पार्ट है सर्कल का येलो वाला पार्ट जो है इसको हम लोग आर्क बोलेंगे। ओके अब ये छोटा वाला पार्ट है सर्कल का, ओके एक छोटा सा पार्ट है तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। ओके और बड़ा वाला जो पार्ट है ये ब्लू ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया, इट इज कॉल्ड एज द मेजर आर्क। ओके स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द माइनर आर्क एंड लॉन्गर पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द मेजर आर्क। तो बस एक सिंपल से डेफिनेशन है, आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है। इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, यू कैन राइट इट इन द सी डब्ल्यू। मुझे नहीं लगता है इतना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा माइनर आर्क मेजर आर्क फिगर देख के ही। ओके बट जस्ट फॉर योर नॉलेज इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट बिकॉज इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल रिक्वायर इट। ओके वेरी गुड इफ यू नो इट श्रावणी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ओके ऑफ द सर्कल। तो मुझे बोलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर सेगमेंट निकालेंगे या मेजर सेगमेंट निकालेंगे, फर्स्ट टेल मी दिस। माइनर। ओके माइनर निकालेंगे, तो माइनर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसका एरिया निकालना पड़ेगा, सेक्टर। सेक्टर ओके उसमें से हम लोग क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट। हियर वी आर गिवन विद द रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स ओके सेंट्रल एंगल थीटा, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय आर। एल का वैल्यू होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एंड मल्टीप्लाइड बाय आर। So this 2 will get cancelled. So what is the formula? Theta divided by 360 multiplied by pi r square is the formula for area of sector. Put the values 60 upon 360 multiplied by 22 by 7 multiplied by radius है हमारा यहाँ पे 15. Pi हमको 3.14 लेना है. It is mentioned clearly. So in place of pi take 3.14. Okay. Calculate this and tell me the answer. Okay, 117.75 centimeter square. 117.75 centimeter square is the area of sector. अब area of sector के बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा? Next, area of triangle. Triangle का नाम क्या है? What is the name of the triangle? AOB. AOB triangle का मुझे एरिया बताओ क्या आएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट टेल मी दैट। अगेन इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके वी हैव द फॉर्मूला फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। ओके सो अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड है मेरा 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, बोलो कितना आता है, कैलकुलेट करो, टेल मी द आंसर। ओके डू द कैलकुलेशंस प्रॉपरली। 97.31 ओके इट्स यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, 117.75 में से मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 97.31, सो इट्स आंसर विल कम 20.43। ओके 4375 इफ यू वांट द आंसर इन फोर डेसिमल्स, फोर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट।
सो दिस इज द आंसर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. अब मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए. सो हाउ आई विल गेट इट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दो. रेडियस इज गिवन टू अस, फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने ऑलरेडी यहां पे निकाला है उतना रीजन सब्सट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल. में से 20.43 को सब्सट्रैक्ट कर दो एंड टेल मी द फाइनल आंसर. सिक्स एटी सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर. This is the area of major segment. Is it clear to everyone how we got the area of major segment? Okay. See the next one then. What is the next question? Figure is not given here, I think so. A chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. So first of all, we will draw one circle here. Okay. ये chord है, ये center है circle का, और ये हम लोग join कर देंगे center के साथ. This is O, this is A. And this is B. AB is the chord. A chord of a circle of radius 12. So radius is 12. This is also 12. Okay. This angle is 120 degree. Okay. This angle theta is equal to 120 degree. Agar main yahan se perpendicular bana leta hu, so this will become 90. This will become 60. And now this will become 30. Okay. Again here also this will become 30. This will become 60. And this is 90. Is it clear to you? So it is 30, 60, 90 triangle. Bolo abhi yahan pe kya find karna hai? Humko find the area of the corresponding segment. Ye humko segment nikalna hai. Ye wala shaded portion. Iska humko area nikalna hai. To uske liye humko base lagega pehle AB. How we will get the base AB? Yes. बेस ए बी और हाइट भी लगेगा हमको. इसको सपोज मैं नाम दे देता हूं सी पॉइंट. ओके, ओ सी इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. नाउ हियर इट इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, वी विल हैव टू यूज वन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एंड फॉर दैट वी विल हैव टू फाइंड बेस ऑल्सो एंड हाइट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक. बोलो कौन बताएगा, हु विल टेल मी. मैं यहाँ पे साइड में ये छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं ताकि यहां से हम लोग हाइट भी निकाल ले. ओ सी बी. ओके, दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 60. ओके, दिस इज 12, हाइपोटेनियस इज 12. बोलो आई वांट द वैल्यू ऑफ सी बी ऑल्सो एंड आई वांट द वैल्यू ऑफ ओ सी ऑल्सो. व्हाट आई विल डू देन, which trigonometric ratio should I use? Sine, cos, tan, cot, sec, cosec? Sine theta and cos theta. Okay, for which angle should I apply sine theta and cos theta? 60 degree or 30 degree? 30 degree. So 30 degree ko kya lagana hai, sine ya cos? Sine. Okay, so sine 30 degree. साइन थीटा होता है अपोजिट, यानी ओ सी अपॉन हाइपोटेनियस है ओ बी,
ओके तो साइन 30 का वैल्यू है 1/2 विच इज इक्वल टू ओ सी, हमको चाहिए यहाँ पे ओ बी हमारे पास है 12, तो ओ सी कितना मिल जाएगा मुझे 12/2 दैट इज 6, यस ऑर नो, 6 सेंटीमीटर, इज इट करेक्ट, 6 सेंटीमीटर, ये 12 उधर जाने के बाद न्यूमरेटर में जाएगा, 12/2 दैट इज 6, ओके ये हमको 6 मिल जाएगा, विल गेट दिस एज 6, 6 सेंटीमीटर। अब मुझे सी भी निकालना है, बोलो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूं, साइन 60 ले लूं क्या, आई कैन टेक कॉस 30 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ओके सो हम लोग यहाँ पे कॉस 30 ले लेते हैं, चलो कॉस 30, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा, इट इज एडजेसेंट साइड दैट इज सी बी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ओ बी, तो कॉस 30 फ्रॉम टेबल टेल मी द वैल्यू ऑफ कॉस 30, फ्रॉम टेबल ऑफ अंडर रूट 3/2, ओके विच इज इक्वल टू सी बी हमारा हमको निकालना है, ओ बी हमारे पास है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 1 2 6 6√3 आ जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर, ओके तो हमारे पास ये भी आ गया, देखो 6√3 सेंटीमीटर, और अगर ए बी अगर मुझे निकालना है, ए बी इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ सी बी, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6√3 ये आ जाएगा 12√3, तो हमारे पास बेस भी आ गया, हाइट भी आ गया, अब आप एरिया निकाल सकते हो ट्राइंगल का, यू डू द रिमेनिंग पार्ट नाउ, टेल मी द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ रहा है बोलो, उसका फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इनटू बेस इज व्हाट ए बी एंड हाइट इज व्हाट ओ सी, पुट द वैल्यूज फाइंड आउट द आंसर, √3 is also given to us. See, this is √3. Huh? Here there is a printing mistake. It should be √3 is equal to 1.73. Area of sector is 150. Okay, 150.72 minus area of triangle kitna aa raha hai? 6√3 multiplied by 6. It will come 36√3. 36 ko 1.73 se multiply karo kitna aa raha hai bolo? 62.28. ओके ये सब्सट्रैक्शन करो, टेल मी द फाइनल आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके so area of segment is what 88.44 centimeter square, okay next question, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope, see figure 12.11, find the area of the part of the field in which the horse can graze, yani aapko in short ek quadrant ka area nikalna hai, dekho ye wale quadrant ka area nikalna hai aapko, figure mein dekh ke aapko samajh mein aa raha hoga, this quadrant area you have to find, okay yahan pe iska radius given hai aapko 5 meter, yani ye 5 hai to ye bhi 5 hoga, okay और सेकेंड केस में द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेर 10 मीटर, ओके अब ये रोप अगर हम लोग बढ़ा देंगे, ये रोप अगर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, ओके तो सपोज यहाँ तक ये रोप जा रहा है, यहाँ पे ये घोड़े का घोड़ा यहाँ पे बंधा है, ओके सो दिस विल बी लाइक दिस, नाउ द एरिया विल इंक्रीज, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल इंक्रीज, सो ये इंक्रीज इन एरिया यानी ये इतना वाला एरिया हमको
बताना इंक्रीज इन एरिया, क्योंकि इतना पोर्शन इंक्रीज हुआ है ना अभी, जब हम लोग 10 मीटर लंबा रोप के साथ अगर ये घोड़े को बांधेंगे तो ये इतना एरिया इंक्रीज हुआ है, हमको ये इंक्रीज इन एरिया बताना है। सबसे पहले आप ये इनर वाला क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। नेक्स्ट पीरियड इज ऑल्सो माइन ना, ओके। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, यू कैन गिव द नेम ऑल्सो। ओके, मैं इसको नाम दे देता हूं ए, ये पॉइंट बी है, ये ओ है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए ओ बी। वट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे पाई कितना लेना है? 3.14 लेना है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। रेडियस हमारा है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है, 19.625 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज इन मीटर, नॉट सेंटीमीटर, सो इट विल कम मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वन का आंसर हो गया। अभी सेकेंड वन का आंसर निकालने के लिए पहले हम लोग ये रोप को एक्सटेंड करेंगे। रोप को एक्सटेंड करने से एक नया क्वाड्रेंट फॉर्म होगा जिसका रेडियस होगा 10 मीटर्स। ओके, सो सेकेंड वन का आंसर निकालना है अभी हमको, इंक्रीज इन एरिया तो इसको भी नाम दे देंगे हम लोग, इसको नाम दे दो सी और ये पॉइंट को नाम दे दो डी, ये पॉइंट है आपका बी। ओके, तो इंक्रीज इन एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बोलो आउटर क्वाड्रेंट कौन सा है, इट इज सीओडी कैश ऑन डिलीवरी माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एओबी। ओके, तो अगेन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ओके कीप डिफरेंट नोटेशन, कीप दिस एज R1 दिस एज R2। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, 3 वी विल टेक पाई बाय 4 एज कॉमन ओनली ना, विल रिड्यूस द कैलकुलेशन, पाई बाय 4 एज कॉमन। तो R1 मेरा है सपोज बाहर का रेडियस है मेरा 10, सो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो पाई बाय 4 ये आएगा 100 माइनस 25, 75 पाई आ जाएगा वो। तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द आंसर। व्हाट विल बी द आंसर? इंक्रीज इन एरिया, व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया? 58.875, ओके 58.875 मीटर स्क्वायर। ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड द रिमेनिंग क्वेश्चंस, वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टुडे ओनली।
I will take the attendance in the next period only. No, no, not immediately at 11 o'clock. You join at 11 o'clock. I will send you the link. I will send you the new link on your class WhatsApp group. Using that link, you will join at 11 o'clock.